अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो होल्डर होता है वो क्या होता है, उसकी क्या एसेंशियल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एसेंशियल्स पूछे जाते हैं या फिर इसका पूछा जाता है कि कौन इसका होल्डर हो सकता है और कौन सा पर्सन इसका होल्डर जो है वो नहीं हो सकता। तो सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में, एक शॉर्ट सी वीडियो है, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो होल्डर क्या होता है, होल्डर एक ऐसा पर्सन होता है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया या प्रोमिसरी नोट हो गया, इनको अपने पोजेशन में लेता है। ये वो पर्सन है जो बेरर होता है, जिसके पास फिजिकली ये मौजूद होते हैं और कभी भी इन्हें कन्वर्ट कर सकता है कैश में, तो ये होल्डर होता है। डेफिनेशन ऑफ होल्डर, होल्डर की डेफिनेशन देखी जाए तो होल्डर कौन होता है, यही सेम जो इंट्रोडक्शन में बताया, बिल्कुल सेम कि एक पर्सन होता है वो जिसके पास पोजेशन होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। सेक्शन 8 इससे डील करता है। डेफिनेशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये एक और कंसेप्ट है, होल्डर से बिल्कुल एक छोटा सा मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। इस पर भी आगे एक मुकम्मल क्वेश्चन है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ होल्डर ही करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको। होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, एक होल्डर है, एक बंदे ने एक चेक पास किया, होल्डर ने अपनी पोजेशन में ले लिया। अब वो जो होल्डर है वो उसे आगे ट्रांसफर कर देगा एक और पर्सन को और उससे कंसीडरेशन ले लेगा, उससे उतनी अमाउंट ले लेगा जितने का वो चेक है। वहां पर उस बंदे का टाइटल बिल्कुल क्लियर होगा और जो पोजेसर होगा, जिसके पास पोजेशन होगी, वो होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। और ये सबसे सेफ बंदा होता है, इसका कोई मसला नहीं हो सकता क्योंकि इसने कंसीडरेशन दी होती है, पे की होती है। एसेंशियल्स की बात करें तो इसमें तीन एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले पेई और एंडोर्सी। जो पेई होगा यानी जिसने पैसे निकलवाने हैं, जिसको मिलने हैं, वो बंदा, या एंडोर्सी होगा, एंडोर्सर की तरफ से एंडोर्समेंट हुई, उस पर सिग्नेचर हुए और एंडोर्सी तक पहुंच गए और पोजेशन उसके पास आ गई, तो ये दो पर्सन होंगे जो कि एसेंशियल है। इन दोनों में से कोई होगा और इनके पास पोजेशन होनी चाहिए, उसका कब्जा होना चाहिए या बेरर होना चाहिए, फिजिकली उनके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये जो तीन है, ये हैं इसके एसेंशियल्स। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन्स हु आर होल्डर, जो होल्डर हो सकते हैं वो कौन से शख्स हैं। सबसे पहले पार्टनर, जब भी पार्टनरशिप पे कुछ भी होता है तो वहाँ पर अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो पूरी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, उन तमाम के नामों पर किया जाता है, तो वहाँ पर जो हर पार्टनर होगा वो उसका होल्डर हो सकता है। पर्सन इन पोजेशन, जिसके कब्जे में है, जिसके पोजेशन में है, डेफिनेटली वो तो होगा ही होगा। उसके बाद एजेंट, एक जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, वो प्रिंसिपल का एजेंट होता है, तो अगर प्रिंसिपल जो है वो होल्डर होगा, उसके पास पोजेशन होगी, तो डेफिनेटली एजेंट की भी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वो होल्डर ऑफ चेक, जो चेक का होल्डर होगा, किसी ने साइन करके किसी बंदे को दे दिए, वो डेफिनेटली या पोजेसर होगा या होल्डर होगा, उसके पास तो होगा ही होगा, ये वो वाला पर्सन है। उसके बाद होल्डर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसे लॉ ने, कोई फैसला हुआ, लॉ के मुताबिक कोर्ट ने उसे दे दिया कि आप इसे होल्ड करें, ये आपका ज़्यादा राइट बनता है, तो वो भी पर्सन होल्डर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पे भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है, और भी काफ़ी लोग हैं जो हो सकते हैं होल्डर। नोट होल्डर, अब कौन से लोग हैं जो होल्डर नहीं हो सकते। सबसे पहले एक माइनर, एक ऐसा माइनर जो कि अडॉप्ट किया गया, उसकी माँ जो होगी वही उसकी होल्डर होगी। एक जो बच्चा है वो लीगली होल्डर कभी भी नहीं हो सकता उस चेक का, या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो प्रोमिसरी नोट हो सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद थीफ या फाइंडर, एक जो चोर है उसने चुराया होगा तो वो भी नहीं हो सकता। एक फाइंडर, उसे कहीं रास्ते पे पड़ा मिल गया कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी उसका होल्डर नहीं हो सकता, उसे वापस करना पड़ेगा। और लास्ट पे आता है अनलॉफुल पोजेशन, किसी ने अनलॉफुल तरीके से फॉर्जरी सिग्नेचर वगैरह करके, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करके जो लॉ में नहीं आता, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया हुआ है, तो वो उसका होल्डर नहीं हो सकता। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।